एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। गाइस, तो इस रहे हैं सुबह के 11:30 और आज मेरी तबीयत बिल्कुल भी नहीं ठीक है। तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। सुबह से मैं उठ नहीं पा रही थी, फिर भी मैं 5 बजे से उठी हूँ, लगी पड़ी हूँ। वो सब मैं आपको बाद में बताऊँगी। और यहाँ पर जैसा कि आपको पता है कि सब कुछ खाली हो गया है, ये देखिए सारी चीज़ें खाली हो गई हैं और अब मैं जा रही हूँ मेरा बेड खाली करने। फिर अब हम वहाँ की ब्लॉगिंग करेंगे, तो यहाँ से पहले ये सामान जाता है, फिर वहाँ मैं चलती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ, ठीक है? तो गाइस, ये देखिए अभी ये मैट बिछ रही है, एक में बिछ गई थी और इसमें बिछ रही है, वही उठा की है सब निकाल निकाल के पता नहीं कहाँ घर वाला। सो बस, और अभी आपको दिखाती हूँ, ये देखिए जानते हो, बताओ वहाँ पे गोंद रखा हो बता रहे थे। सुनो तो तो ब्लर ब्लर दिख रहा होगा रोशनी की वजह से। ये देखिए पूरा भरा पड़ा हुआ है, ये मेरा पूरा सामान है, सिर्फ कपड़े कपड़े हैं और इस तरीके से पूरा मैसे हुआ पड़ा है बाहर भी। ये देखिए सब कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो अभी हमें सेट करना है बस। और इसमें भी सब कुछ पड़ा हुआ है, ये सारे कुछ मेरे सामान है अभी। और पापा के रूम का नहीं आया, जस्ट मेरे कमरे का ही आया है जो इतना फैला है। तो चलिए थोड़ी देर से मिलते हैं आप लोगों से, ठीक है? तो गाइस, वहाँ से बेड खुल रहा है, तो थोड़े थोड़े से जो सामान है उनके जो हैं पुर्जे क्या भी जो भी कुछ बोलते हैं तो वो आ रहे हैं, तो मैंने कहा चलो थोड़ा थोड़ा पोंछ लेती हूँ। वैसे तो मुझे फीवर है तो मैं उतने अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ, टेम्परेली हल्का फुल्का मैंने कर दिया है। और इसके बाद सोनम बोली कि तुम मत करना, मैं कर दूँगी, तो मैंने कहा लाओ थोड़ा बहुत मैं भी कर देती हूँ, क्योंकि वो लोग भी लगी पड़ी हैं और काफ़ी ज़्यादा थक गई थी। तो मैंने कहा चलो थोड़ा थोड़ा जितना हो सक रहा मेरे से, मतलब जितना हल्का फुल्का है ना, तो वो मैं कर दे रही हूँ। जो भारी वाला जिसमें बहुत ज़्यादा गंदा है, जो काफ़ी ज़्यादा मैसी है, तो वो लोग कर देंगे। तो जो मैं क्लीन कर रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने एक साफ़ किया है, इसको मैं साइड लगा दूँगी। सेकंड ये भी लगा रही हूँ, क्योंकि वो जो लंबा वाला मैंने साफ़ किया था वो काफ़ी ज़्यादा मैसी है, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। और इसको भी क्लीन करके यानी कि पोंछ के साइड लगा दूँगी। बाबू तुम्हारी मम्मा और बाबू रही तुम्हारी मम्मा टूटेगी जो चीज खाता तो झाड़ू आड़ू पलट खोने मत। तुम उसको पलटो तो मैं उसको पोछू ना। तो आओ तो अधेस पकड़वा रहे हैं ना। तू पकड़ा था क्या उसको बुला रहा है? अरे हम पकड़ा दे। अच्छा ये पलट दे कि वो हां उधर घुमाना है। सो गाइस, सारा सामान वहां से आ चुका है और ये देखिए बेड है। बेड अभी तो पोछते पोछते हालत ख़राब है, कुछ मैंने पोछा कुछ सोनम पोछ रही है, सभी लोग लगे हुए हैं साफ़ सफाई में, क्योंकि 4 साल से अभी कुछ भी नहीं हुआ था, तो बस इसकी साफ़ सफाई हो रही है, इतना तो पोछ गया है। सब लोग लगे पड़े हैं। तुम क्या कर रहे हो? जाला छुटा रहे हैं, पसीना देख रहे हैं। तो चलिए काम करते रहते हैं, आप लोगों को दिखाते रहते हैं, ठीक है? हाँ, नीचे नहीं उठा, नीचे कोई नहीं रहा, हाथ लगाएंगे। अरे जाए दे तो यार, पहले ही सोच लो कि लगेगी। हाँ वैसे वैसे जैसे वैसे लगेगा, उधर उधर सटा रहेगा उसके अलमारी की तरफ बस। हाँ तू बचा देना चाके उधर से। अरे यार मेरी मेरा मन है इधर उधर यार वो रखेंगे अलमारी अलमारी। इधर से दरवाजा खोलेंगे, दरवाजे जस्ट सामने में डूब जाएगा, इधर से दुकान। अरे यहाँ देखे सही है, सही है।
हवा लगेगी ना इधर साइड में। उससे मतलब नहीं है, फिर अलमारी क्या ऐसे रखेंगे क्या एकदम छिक जाएगा वहाँ पे जो सामान रहेगा ना, एक साइड हो जाएगी ना अलमारी, तो एक ही तो आएगा ना एक बक्सा। एक का यहाँ से सटाक लगाओ अलमारी का, अलमारी तुम्हारा काम आ जाए। हम उससे नहीं, हमको मतलब वो जो ऊपर लगा हुआ बाबू अगर छू लेगी तो तुम नहीं समझ रहे हो, हाथ मारे किनारे यहाँ लगाओ किनारे, यहाँ जो मैं कह रहा हूँ वैसे उधर एक ताकि वहाँ जैसे कोई दरवाजे खुले सामने अलमारी यहाँ एक यहाँ रख लीजिए एक पापा वाला पूरी छिप जाएगा। अरे टूट जाएगा जो तुम पकड़ ले वो निकल जाएगा। अरे यार जानते हैं ज्यादा मत सटाओ, ज्यादा मत सटाओ, ज्यादा मत सटाओ यार, इतना सही है, ज्यादा मत सटाओ, फिर जानते हो चीटी उटी चढ़ती है सही है वहाँ सिंगारदान आ रहा है सही है। ये बताओ ईटा लगा दिया था कि नहीं, साफ नहीं होगा, साफ नहीं होगा इसके नीचे। अपन जो साड़ी रखा बाकी कुछ फालतू मत रखना, अगर भारी हुआ तुम्हें हमसे पूरा कोई भारी का नहीं, इतना चीज को फैल जाता है। गाइस तभी देखिए पता नहीं आवाज जाएगी कि नहीं, और ये पूरा हुआ पड़ा है, सब कुछ फैला हुआ है और अभी सेटिंग चल रही है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। मुझे इतनी तेज गर्मी लग रही थी, इतनी तेज गर्मी लग रही थी, मैंने मैक्स पहन ली, बर्दाश्त नहीं हो रही थी क्योंकि यहाँ पर अभी पंखा वगैरह कुछ भी नहीं लगा है। और ये देखिए सब कुछ कैसे पड़ा हुआ है, ये देखिए इतना ज़्यादा गंदा है, आपको कैमरे में उस हिसाब से नहीं दिख रहा होगा। तो बेड हमारा फिट हो चुका है और यहाँ पे ये बक्सा फिट हो रहा है, पूनम कर रही है, और ये देखिए सभी कुछ अभी मैसे हुआ पड़ा है, ये देखिए सब कुछ फैला हुआ, सब कुछ सेट कर रहे हैं। और आपको बताएं कितना बज रहा है, 6 बज चुके हैं। बैक कैमरे से दिखाती हूँ तब आप देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो गाइस जो ये मैं आपको दिखा रही हूँ ना, लगभग आधा काम हो चुका है, ये काफ़ी ज़्यादा कम है, शुरू में बहुत ही ज़्यादा फैला था जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि उस टाइम से बहुत ज़्यादा कम है। तो इसको सेट करते करते देखते हैं कितना बज जाता है। तो बस गाइस सभी बज रहे हैं 9:30 और अब हम फ्री हुए हैं। मेरी बहन पूरा खाना बनाई, तुम खाओ ना, खाना बनाइए वही, और हम वहाँ पर लगे पड़े थे, उसने बनाया है ये देखिए पनीर और पूड़ी, ऐसे करके दिखा दो इस तरीके से, ये चावल चावल दिखा। तो ये चावल खत्म हो गया, सुबह का था, अभी का नहीं है, फटाफट से खाने जा रहे हैं। और एक चीज आप लोगों को और बता दें कि आज हम लोगों के लिए खुशी वाला डे ही था, इसीलिए पनीर बन गई है ना, छोटे छोटे क्या बोलते हैं, छोटी छोटी चीजों में खुशी हम लोग ढूंढ ही लेते हैं। नमक कम है ना, सही है, प्याज होता, हिम्मत नहीं पड़े कि प्याज काट के ले आओ। कमरा गूंज रहा ना, नीचे बैठे हुए जमीन पे, भी दिखाऊंगी, सब कुछ चला गया है। पहला कवर भगवान से, भगवान के नाम से, दूसरा आप लोग भी आ जाइए खा लीजिए, तीसरा ही है, दूसरा है, दूसरा कर आप लोग ले लीजिए, थोड़ा नमक डाल दिया, डाल दो, नमक कम लग रहा है, डाल दे रहे हैं थोड़ा थोड़ा सामान, नमक ज्यादा खाती हैं, थोड़ा थोड़ा सामान मैं यहाँ पे रखती हूँ, जैसे नमक हो गया, चीनी हो गया, क्योंकि किचन दूर रहता था इसलिए रख लेती थी, लेकिन अब रखने की जरूरत नहीं है। बाई चांस जैसे रात में दरवाजा बंद हो गया वहाँ का, तो किसी जाकर खटखटाएंगे ना, तो इसी वजह से, तो थोड़ा वो छोटी मोटी चीजें मैं यहीं पर रख लेती थी,
ट्राईपॉड भी चला गया है। तो चलिए खा लेते फिर मिलते हैं, ठीक है? अभी मिलेंगे। क्या आप बोलिए, क्या बोल रहे थे बोलिए। हम ये कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे कि भाग के आए हैं शादी करके इस कमरे कंडीशन कमरा पूरा खाली हो गया है ना, इसीलिए ना बिटिया में गैप कर दी हम लोग। नीचे नहीं सुला सकते थे ना, नीचे लेती नीचे जानते छोटे छोटे कीड़े निकल रहे थे, इसीलिए तो इसको बिछा लिए हैं। ये इनके फेवरेट बचपन के दोस्त है ना, लंगोटिया यार, लंगोटिया यार। अभी एक छुटा हुआ है। एक छुटा हुआ कौन से? मनीष। मनीष हाँ। अब देखिए बना दिया उसको। हम बनाए क्या, हम तो काम खोले थे, इन्हीं लोग अपना कर रहे थे। हमको बताया पनीर सब्जी बनाई हो तो हमने। सो गाइस अभी बज रहे हैं रात के 11 और अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। और कल से मुझे फीवर था, ये देखिए 11 और कल से मुझे फीवर था, तो मैंने आपको बताया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और हम लोगों को देखिए हम लोग कैसे बिछाए हुए हैं, फोल्डिंग बिछाए हैं और नीचे चटाई बिछाए थे। पहले चटाई पे लेटे थे लेकिन जब कीड़े आने लगे तो फिर हम लोगों ने फोल्डिंग बिछा ली इस तरीके से, और इसी पर हम लेटे हुए हैं। तो चलिए मैं आपको बैक कैमरे से दिखा देती हूँ। और बस, और ब्लॉग का एंड मैं यहीं पे करती हूँ और मिलती अच्छे से ब्लॉग के साथ। आज ज़्यादा कुछ नहीं बना पाई क्योंकि मेरी तबीयत भी नहीं ठीक थी जैसा कि आप सभी को पता है। वो बस मिलती हूँ अच्छे से वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। ओके बाय बाय।